दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। टस्कनी में हुई विराट अनुष्का की शादी, होटल का एक दिन का किराया था 14 लाख। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गए। अनुष्का और विराट ने इटली के टस्कनी में बोर्गो फिनोसिएतो रिजॉर्ट में शादी की। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्गो फिनोसिएतो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लोकेशन है। आंकड़ों पर गौर करें तो इटली का यह रिजॉर्ट एक रात का 13,50,000 रुपए चार्ज करता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी के बाद जहां एक तरफ बधाइयों का तांता लगा है, वहीं दूसरी ओर उनके वेडिंग रिसेप्शन की तैयारियां भी चल गई हैं। अनुष्का और विराट के दो वेडिंग रिसेप्शन होंगे। इनमें से एक रिसेप्शन 21 दिसंबर को होगा, जिसमें विराट और अनुष्का के रिश्तेदार शामिल होंगे, जबकि दूसरा रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा, जिसमें बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा अन्य स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। बता दें कि 7 दिसंबर की रात को ही अनुष्का शर्मा अपनी फैमिली के साथ मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था। उस वक्त अनुष्का के अलावा उनके मम्मी पापा और भाई कर्णेश भी साथ थे। इसके अलावा अनंत धाम आत्माधाम हरिद्वार के महाराज अनंत बाबा भी देखे गए। ये वही पंडित थे जो पिछले साल अनुष्का विराट की उत्तराखंड वाली मुलाकात के दौरान मौजूद थे। उस मुलाकात को लेकर कहा गया कि वो तब अनुष्का और विराट का रोका करवाने गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का से पहले विराट कोहली भी गुपचुप तरीके से इटली निकल गए थे। गुरुवार देर रात उन्हें भी मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों और मीडिया की नजरों से बचने के लिए विराट कोहली ने उस वक्त अपने चेहरे को आधा ढका हुआ था और शायद इसी वजह से वो बच निकलने में कामयाब रहे।